वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज है 16 अक्टूबर, बज चुके हैं 12:45, मतलब 11:45। एंड आई नो कि बहुत दिनों बाद आ रहा है मेरा व्लॉग, तो गाइज उसके लिए सॉरी, बिकॉज मेरे जो एग्जाम्स हैं वो शुरू हो रहे हैं नवंबर में, तो उसकी थोड़ी तैयारी वगैरह करनी पड़ती है। प्लस मेरा रिटर्न वर्क बहुत सारा पेंडिंग था, मैंने रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ बैठ के करा है रिटर्न वर्क अपना कंप्लीट। तो फाइनली मेरा रिटर्न वर्क तो कंप्लीट हो चुका है, अब लर्निंग वर्क स्टार्ट करा है मैंने, वो भी बहुत सारे, तो धीरे धीरे हो रहा है। तो व्लॉग्स के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज मैं सुबह उठी तो ताई ने बोला कि आज स्कूल की छुट्टी कर ले, आज है वैसे सैटरडे। आपको बताती हूँ कि कहाँ पे जा रहे हैं हम। आपको पता है कि अनमोल भैया जो हैं वो शिफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी अच्छे से नहीं हुई है। मैंने आपको बोला था अपने पिछले वाले व्लॉग में कि 16 तारीख को हवन होगा, एंड आज ये 16, तो आज नहीं है हवन क्योंकि अभी तक अच्छे से शिफ्टिंग ही नहीं हुई है, क्योंकि जो सोनमेगर फ्लैट है ना, हाँ मतलब जो पहले वाला फ्लैट था, उधर बहुत सारी जो जैसे मंदिर वगैरह लेके आना, मंदिर जो फ्लैट में पड़ा हुआ है वो भी हमें ये वाले जो नया घर है उधर लगाना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आराम से हो जाएगी। तो जो हवन है ना वो अब हमने करा है 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को। तो मंडे को मैं जाऊं दिल्ली, क्योंकि अनमोल भैया का देखो टाइम वगैरह नहीं मिल पा रहा, लाइट्स वगैरह का, तो लाइट्स वगैरह हम ले आएंगे। अभी तो देखो नवंबर में मेरे एग्जाम जैसे खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं डेली व्लॉग फिर से शुरू कर दूंगी। एंड मेरा ना वैसे प्लान था अभी गुजरात जाने का, 10 दिन का टूर था, पूरा अच्छे से हो गया था, टिकट करने वाले थे, और उसी वक्त मैम ने बोल दिया कि एग्जाम है बेटा नवंबर में, तो वो अब कैंसिल हो गया। तो जैसे तब एग्जाम खत्म हो जाएंगे मेरे, उसके बाद हम जाएंगे गुजरात, एंड बहुत सारे उसके भी व्लॉग्स बन जाएंगे, है ना, बहुत सारी जगह जाएंगे गुजरात में, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो मैं आगे आगे अपने आने वाले व्लॉग्स में बताती रहूंगी, ठीक है। गुजरात के अलावा भी बहुत सारे जगह जाएंगे हम, वो ठीक है आगे आने वाले व्लॉग्स में बता दूंगी मैं। तो अब आएंगे सोनू भैया हमें लेने, मेरी बुआ जी जा रही है, सोनू भैया ये वाले, और एक हिमाचल वाले सोनू भैया वो भी जा रहे हैं, साथ में डुग्गू अलका भाभी वगैरह जा रहे हैं, तो चलते। देखो गाइस यहाँ पे बेड वगैरह तो सब कुछ हटा दिया है, एंड वो पहुँच भी गया होगा उधर सोनू भैया के नए घर में, एंड टीवी वगैरह भी हो चुका है, बाकी ये वाला जो दीवान है वो तो ऐसे ही रहेगा, एंड अलमीरा और ये मंदिर भी ऐसे ही रहेगा, बाकी ये वाला जो कमरा है ना, मतलब झाड़ू पोछे वगैरह वाली तो आती है सुबह, तो वो अच्छे से साफ वगैरह कर देगी, ये सब भी हो जाएगा। ये वाला जो दीवान है वो इधर आ जाएगा, और जो सोनू भैया का जितना भी सामान है, आलतू फालतू का कोरियर वगैरह जो भी कुछ भी डब्बे डुब्बे है ना, जो हमारे सामने वाले जो कमरे में रखे हुए हैं, वो सब इधर आ जाएंगे, एंड ये वाला जो रूम है वो खाली हो जाएगा, है ना। तो गाइस बहुत लेट हो चुका है, 9:15 हो चुके हैं रात के, एंड चलो ये वाला तो सारा काम निपट गया ना, अब सिर्फ उधर थोड़ा बहुत सेट वगैरह करना है, और जो उधर मंदिर वगैरह पड़ा हुआ है जो सोनमेगा फ्लैट था उधर से हमें ये वाला जो न्यू घर है उधर लगाना है, बाकी सब कुछ हो चुका है ज़्यादातर, है ना। तो अब हम चलते हैं, एंड बहुत टाइम हो चुका है, जो सोनू मैंने जैसे बेड वगैरह था और भी बहुत सारी चीज़ें जो लेनी थी वो भी सोनू मैंने सब कुछ करवा दिया, वो भी पहुँच गई होगी, बाकी चलो चलते हैं। देता अभी है, और तो कुछ नहीं होता, आधा पार्ट रुक जाओ, तो गाइस जैसे आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा था, क्या देखा था बताइए, क्या देखा था, अरे बता रही हूँ यार, डरा दिया सोनू मैंने, तो जैसे इधर लीव्स वगैरह पड़ी हुई थी काफी सारी, ये भी अच्छे से साफ वगैरह कर दिया है, बाकी ये भाभी है, ये रे बड़े वाले सोनू भैया, अब हम अंदर चलते हैं।
तो यहाँ पे चेयर्स आई हुई हैं, कुछ सोफे आए हुए हैं। गाइस हाउ आर यू गाइस? ये बेड सोनू भैया का मंदिर आ गया, जो पुराना वाला था ना वो ऐसे ही पड़ा रहेगा या तो फिर दे देंगे किसी को। ये केशव भैया की बहन आ गई ना, देख लो बहन भाई का प्यार। बाकी डाइनिंग टेबल भी आ गई है, कुछ ऐसा है। और डुगू तो आते ही पॉकेट बाइक में लग गया। कैसी लगी पॉकेट बाइक? अभी दौरानी हुई है, चलानी है ना अभी, तेरे से चलेगी नहीं वैसे भाई, बहुत रेस पकड़ती है ये, भाग जाती है ये, मेरे से नहीं चलती, तेरे से कहाँ से चल जाएगी। अच्छा पार्ट, अरे दोनों तो खेलते रहेंगे, अब पार्ट को फ्रेंड मिल गया न्यू। बाकी देखो किचन भी अच्छे से थोड़ा बहुत साफ वगैरह कर दी है ना। और देख लो फ्रिज तो पुराना वाला ही है। ये ब्रूनो का है, बाहर है। बाकी यहाँ पे गाना चल रहा है, ओ ज़ालिमा। ये सोनू भैया का रूम है, मेरे को केशव भैया ने बोला है कि यहाँ पे है ब्रूनो। वेयर आर यू? ये रहा ब्रूनो हमारा, कितने टाइम बाद मिल रही हूँ मेरी ब्रूनो से। हेलो ब्रूनो। नहीं बेटा बाहर नहीं निकलना है, चलो इसको बंद कर दिया हमने। पता है कि ब्रूनो कितना तंग करता है, बहुत ज्यादा तंग करता है ब्रूनो, तो इसलिए ये वाले कमरे में इसको बंद कर रखा है हमने। वैसे एसी ये सब तो चला रखा है, पंखा वगैरह लगा दो, लगा दो, ब्रूनो ब्रूनो। मेरे को तो पता है इसे बहुत डर लगने लग गया अब, जब से मयंक भैया को इसने करा है ना। ये देखो पार्थ को देख के भौंकने लग गया ब्रूनो। ब्रूनो ब्रूनो कितना भौंकता है तू, क्यों भौंक रहा है इतना? सबको तो तू जानता है, तूने पहले भी देखा हुआ है सबको। हो ब्रूनो भी बहुत उछलता रहता है अब। आजा बाबू आजा, चप्पल ले जा ब्रूनो, चप्पल ले जा सोनू भाई की। ब्रूनो ले जाओ चप्पल, ले जाओ चप्पल, ले जाओ चप्पल, ले जाओ ब्रूनो चप्पल ले ले सोनू भाई की। ब्रूनो तू नहाया आज, लग तो रानी है तू। पार्ट को भेजो अंदर, पार्ट पार्ट आजा। तो गाइस ये वाले ताई वाले, ताई और ताऊ वाले रूम का भी अलग से बेड मंगवाया था एंड आ चुका है वो। तो गाइस अब बज चुके हैं 10:15 एंड अब हम करने जाएंगे डिनर। सोनू भैया बहुत जैसे बाहर वगैरह का खाना खा रहे थे, तो वो कह रहे कि मैं अब घर का ही खाना खाऊंगा, तो उनके लिए दाल रोटी मंगवा ली थी घर से, तो वो खाएंगे और हम बाकी सारे डोसा वगैरह खा लेंगे। ठीक है चलो चलते हैं। तो गाइस मैं भूल गई थी मास्क लेना, अब फटाफट ले लेते हैं। ओहो यार मेरे इसमें ही होता सब कुछ, जैसे स्पैक्स और मास्क वगैरह। तो अब मास्क ले लिया है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्लैक, ब्लैक ही मास्क पहनती हूँ मैं, कपड़े भी ब्लैक ही। चलो गाइस पता ही नहीं चला हम पैदल इतनी दूर आ गए और हल्की हल्की बारिश भी आने लग गई है। चलो हाका नूडल्स और छोले भटूरे मिल गए हैं, डोसा सिर्फ एक ही मिला, वो ताऊ के पास आएगा पैक करवा लिए।
लॉर्ड गो चील ज्यादा देख ध्यान से ये किसकी है लोकेश वाले नॉर्मल है ना चलो 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 ब्रो खुला तो नहीं छोड़ रखा खोल तो नहीं उधर से पता नहीं खोल लिया ना ओ ये देखो घूम रहा था ब्रूनो हमारा हाँ अंदर कर देंगे केशव भैया तो गाइस बिल्कुल ताकत नहीं थी वहाँ पे खड़े होके खाने की इसलिए हम पैक करवा के इधर ही ले आए एंड आराम से यहाँ पे बैठ के खा लेंगे ठीक है तो फटाफट में पहले डिनर कर लेते हैं उसके बाद एंडिंग कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा है ना तो नेक्स्ट ब्लॉग शुरू कर लेते गाइस मैं ना 21 या फिर 22 तारीख को कुछ करवाने भी जा रही हूँ मतलब मुझे नहीं पता था कि पापा परमिशन दे देंगे बल्कि मुझे पापा ने सामने से बोला कि इशू करा ले तू भी अपनी ज़िंदगी जी ले मैंने कहा सर ठीक है अच्छी बात है पापा ने मुझे सामने से बोल दिया और मम्मी ने भी परमिशन दे दी वैसे हेयर कलर नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि मैं क्या करवाने जा रही हूँ वैसे तो 21 या 22 को ब्लॉग तो आ ही जाएगा तब आपको पता चल जाएगा ना कि मैं क्या करवाने जा रही हूँ बाकी फटाफट अब डिनर कर लेते हैं बहुत भूख लग रही है मेरे से बोला भी नहीं जा रहा बहुत ज़्यादा थक गई मैं सुबह की तैयारी हुई थी तैयार होकर बैठी हुई थी मैं और इंतज़ार कर जा रही थी कि अब कोई आएगा उसके साथ जाऊँगी मैं बाकी अब मैं जल्दी सो जाऊँगी एडिटिंग सुबह कर लेंगे है ना मिक्स प्लेट है इसमें सब कुछ है गुलाब जामुन और वो सब और सोनू भैया छोले भटूरे खा रहे हैं बाकी सारे पनीर हाका नूडल्स ये सब तो अच्छा डुगू मेरे वाले की भी एंडिंग कर दें मैंने जैसे उसमें करा था गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय अगर व्लॉग अच्छा लगा तो उसे लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अगले व्लॉग में बाय 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 डिनर हो चुका है एंड ये वाले व्लॉग को इतना ही रखते हैं बाकी नेक्स्ट व्लॉग का वेट करो है ना चलो गाइस बाय बाय